तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल का एक खूबसूरत सा सवाल, और वो सवाल क्या है गौर फरमाइएगा। एबीसी एक ट्रायंगल है, आप सब जानते हो कि एबीसी ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। तो एबीसी यहां पर देख पा रहे हो, एबीसी एक ट्रायंगल है। इसमें कहा जा रहा है कि बीसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं क्वांटिटी तक। बीसी प्रोड्यूस टू क्वांटिटी, बीसी को हमने डी तक आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब आगे सुनिए गौर फरमाइए, तो आप हमें बताओ कि बीसी को जब हम डी तक एक्सटेंड करेंगे तो मेरे को यहां पे एंगल ए सी डी इस एबीसी का एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, बाहरी कोण कहलाएगा, हाँ या ना। चलिए, तब कहा जा रहा है कि बी जो देख पा रहे हो, बी एंगल बी का बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ हाफ एंगल में डिवाइड करना, ठीक है। चलिए, तो बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यहां हमने लिखा है। साथ ही जो ये एक्सटीरियर एंगल जो देख पा रहे हो, ये एक्सटीरियर एंगल यानी कि ईसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी, ईसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी। तो हमें रिलेशन डिराइव करना है, एंगल बीईसी इक्वल, बीईसी मतलब कौन एंगल हुआ, आप खुद देखो, बीईसी मतलब ये एंगल, इक्वल हाफ एंगल ए, हमें ये रिलेशन डिराइव करना है। सवाल समझ गए ना, फिर से कह रहा हूं, सवाल इस तरीके से है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें हमने बीसी को आगे डी तक प्रोड्यूस किया, साथ ही आप देख पा रहे हो एंगल बी का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों मीट कर रहा है कहां पे, पॉइंट ई पे। तो हमें रिलेशन लाना है एंगल बीईसी इक्वल हाफ एंगल ए। अब जरा गौर फरमाइए, एक बात आप बचपन में कहीं पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल, ये बात आप बचपन से जानते आ रहे हो। कहने का मतलब सुनो, सवाल मतलब कहने का ये मतलब है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, मान लो यहां पे पॉइंट डी है, इसको आगे बढ़ाए, तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि ये एंगल जो होता है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, हाँ या ना। यहां पे एंगल ए सी डी जो एंगल होगा इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, यही ना थ्योरम है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर बात है, अब गौर फरमाओ यहां पे क्या कहा जा रहा है। तो हमें रिलेशन आना है एंगल बीईसी इक्वल हाफ एंगल ए। अब कैसे प्रूव करेंगे जरा गौर फरमाओ, आप यहां पर जरा एक बात हमें बताओ, गौर फरमाना, यहां पे हमारा एलएचएस क्या है, बीईसी, तो आप देखो कि बीईसी कहां है, तो बीईसी ये एंगल है, यही एंगल है ना। तो एक बात हमें जरा आप बताओ कि एंगल बीईसी जो देख पा रहे हो, तो बीईसी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा सर एक्सटीरियर एंगल आपका ये होगा, यानी एंगल ईसीडी, यानी बीसीई ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ ईसीडी, है या ना। तो ध्यान दीजिए, तो आप हमें बताओ यहां पे हम क्या लिख दें, सुनिएगा, एंगल ईसीडी इक्वल, एंगल ईसीडी इक्वल क्या लिखे, खुद सोचो, ये एंगल ईसीडी देख पा रहे हो, ये ईसीडी इक्वल होगा एंगल बीईसी, एंगल बीईसी अब प्लस क्या होगा, खुद सोचो, बीईसी, बीईसी प्लस क्या हो जाएगा, एंगल सीबीई, हाँ या ना, प्लस एंगल सीबीई, कोई दिक्कत नहीं। फिर सुनो, मैंने यहां पे क्या करा कि ये एक्सटीरियर एंगल जो हुआ इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हुआ, यानी बीईसी मतलब ये एंगल और प्लस सीबीई मतलब कौन एंगल, ये एंगल, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम रिलेशन आराम से हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे, गॉट मो, पहले तो मुझे बताओ क्या आपको ईसीडी चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर देख पा रहे हो कहीं भी ईसीडी है, नहीं है। तो आप जरा गौर फरमाओ ईसीडी कहां है, ECD यहां है, तो एक बात हमें जरा बताओ ना भाई, यहां पे EC तो आपका एंगल ACD का बाइसेक्टर है या नहीं है, तो क्या मैं ECD को ACD का हाफ लिख सकता हूं, यानी इस ECD के बदले लिखेंगे क्या, हाफ एंगल ACD, कहोगे क्यों सर, तो आप जरा खुद सोचो कि यहां पे EC हमारा एंगल बाइसेक्टर है, किसका, ACD का, यानी कि एंगल ECD जो होगा, ये एंगल जो होगा इस पूरे एंगल का हाफ होगा, आया ना, वही मैंने यहां पर लिखा। अब देखिए BEC, क्या आपको BEC चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सर चाहिए, तो BEC रहने दो, देख लो ना यहां पे हमें BEC चाहिए तो रहने दिया, प्लस अब देखो यहां पे CBE क्या है, CBE
एंगल सी बी ई, क्या एंगल सी बी ई चाहिए? तो आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? देखो ना भाई, हमें चाहिए बी ए सी और ए में रिलेशन। तो एक बात बताओ, यहां पे है सी बी ई, सी बी ई मतलब ये एंगल है, और देख पा रहे हो हमारा यहां पे बी ई बाइसेक्टर है, तो क्या इस एंगल को हम इस पूरे एंगल का हाफ लिख सकते हैं? इस सी बी ई को हम क्या हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि ये हमारा बाइसेक्टर है ना। तो आप देखो यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ एंगल ए बी सी, कोई दिक्कत? मैंने इसके बदले में ये लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब बताओ हमें हाफ एंगल ए सी डी कहां पे है? खुद देखो, ए सी डी यानी इस पूरे ए बी सी का ए सी डी हमारा यहां पे एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके सम के इक्वल होगा? ये पूरा एंगल ए अब प्लस पूरा एंगल बी, यानी एंगल बी ए सी अब प्लस एंगल ए बी सी, बी ए सी मतलब ये एंगल अब प्लस एंगल ए बी सी, हमने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इक्वल है तो इक्वल दे दो, बी सी तो बी सी तो हमें चाहिए, तो एज इट इज रहने देंगे। फिर अब देखो क्या हाफ एबीसी चाहिए, तो एबीसी भी रहने दो क्योंकि अभी रिलेशन आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में बात आई होगी। अब गौर फरमाओ, हाफ बी हाफ यहां पे है और यहां पे ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे? आपका जवाब होगा बिल्कुल। तो हाफ एंगल बी ए सी प्लस हाफ एंगल एबीसी डेट इक्वल एंगल बीईसी अब प्लस हाफ एंगल एबीसी। उम्मीद करता हूं यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात है। अब आप हमें बताओ क्या यहां पे हाफ बी ए सी, तो हमें चाहिए ये देख लो, हाफ एबीसी और हाफ एबीसी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? हाफ एबीसी और हाफ एबीसी कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल है, इधर भी प्लस में साइन है, इधर भी प्लस में साइन कट जाएगा। तो अब हमें बताओ क्या बच गया, हाफ एंगल बी ए सी डेट इक्वल टू एंगल बीईसी, हाँ या ना? तो अब हमें एक बात बताओ ना जरा, यही तो हमें रिलेशन चाहिए, एंगल बीईसी इक्वल हाफ एंगल बीएसी का मतलब क्या हुआ? इस पूरा एंगल की बात हो रही है, तो हाफ ऑफ एंगल इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए, और बताओ हमें यही तो रिलेशन प्रूव करना था जो कि हमें आ गया। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि यह बड़ा ही प्यारा सवाल था और हमने यहां पर एक ही थ्योरम का इस्तेमाल करके बना दिया है। क्या वो थ्योरम है? कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो वही तो मैंने यहां पे किया, एक ट्रायंगल बीसीई में एक्सटीरियर एंगल ले लिया और एक पूरे एबीसी का एक्सटीरियर एंगल लिया, और इसी दो एक्सटीरियर एंगल का लेकर हेल्प लेकर हमने ये सारा रिलेशन आपके सामने डिराइव किया। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। तो वही पुरानी बात, अगर सारी बातें समझ में आई, मेहनत आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे क्वेश्चंस का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए, ओके, थैंक यू।